नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैशफ्लोर थेरेपिस्ट। आज का सब्जेक्ट है बैशफ्लोर मेडिसिन फॉर गोल्डन क्लब मेंबर्स। अब भाई, गोल्डन क्लब मेंबर्स मतलब कोई स्पेशल क्लब है क्या? तो नहीं, ओल्ड इज गोल्ड। तो हमारे जो बुज़ुर्ग है उनको हम गोल्डन क्लब के नाम से जानते हैं। तो जो भी बुज़ुर्ग है उनकी जो समस्याएं होती है उनके लिए बैशफ्लोर में बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिंस है, और ये अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उनका जो ओल्ड लाइफ है बहुत शांति से गुजरता है, बहुत अच्छे से गुजरता है। तो कुछ केसेस के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा। एक 78 ईयर्स ओल्ड लेडी मेरे पास आती थी। पहले तो चल के आते थे, फिर जब उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें होने लगी तो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे थे। तो उनको क्या होता था कि उनको 78 ईयर्स में भी एक स्टैंडर्ड ऑफ वर्क फॉलो करना ऐसा लगता था, घर में भी किचन में भी वो खुद उठ के जाएगी, जब उसे होगा नहीं तो भी। एक सब्ज़ी का भी टेस्ट उनको पर्टिकुलर चाहिए था कि ये सब्ज़ी ऐसी ही होनी चाहिए, अगर वो ऐसी नहीं रही तो वो खाना खाते टाइम बहुत कटकट करेगी, ये तो ऐसी बनी है तो वैसी बनी है, और खुद करने के लिए किचन में जाएगी। और छोटी मोटी भी जब उनको तकलीफें होती थी तो वो बड़ी डर जाती थी कि बस अब मेरा तो खेल ख़त्म। तो ये उनको डर था, तो उसके लिए मैंने उनको बीच इनटॉलरेंस के लिए, बीच कि उनको टॉलरेट नहीं होता था, तो बीच दिया। उसके बाद में ये ओल्ड एज के साथ में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने एडजस्ट कर लेना चाहिए था कि ठीक है मेरी अब उम्र हो गई है, थोड़ा बहुत जो भी प्लस माइनस होगा मुझे एडजस्ट कर लेना है, तो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको वॉलनट दिया, डर के लिए आस्पेन दिया। और जो फास्ट काम वो बोलते थे कि होना चाहिए वो हो नहीं रहा था, इसलिए उनको इम्पेशेंस दिया। तो ये चार दवाइयाँ देने के बाद में उनके दिमाग में काफ़ी शांति होने लगी और घर में भी शांति होने लगी। दूसरी एक लेडी थी 65 ईयर्स ओल्ड, 5-6 साल पहले रिटायर हुई और वो अकेले रहती हैं। उनको जब आपस में रिटायर्ड लोगों की बातें होती है तो अगर उनको कोई बोल दे कि फलाना फ्रेंड को हार्ट अटैक हो गया, फलाने को स्ट्रोक हो गया, फलाने को डायबिटीज़ निकला, तो ये डर के मारे एकदम रेस्टलेस हो जाते थे, और इनको उतने डर से भी अस्थमा का अटैक आ जाता था। प्लस इनकी नाती अगर बीमार होती थी तो ये इतने रेस्टलेस हो जाते थे कि इनको रात को नींद भी नहीं आती थी, जिससे वो हमेशा बीमारी रहने लगी, हमेशा डर में, हमेशा उनको कुछ ना कुछ तकलीफें शुरू रहती थी। और वो ये जो रिटायर्ड लाइफ है उनका, वहाँ वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। तो उनको पहले तो डर, ये जो दूसरे का जो सुन के उनको अफेक्ट होता था, वो उसके लिए उनको आस्पेन दिया गया, रॉक रोज दिया गया। देखने के बाद जो, सुनने के बाद जो उनको शॉक लगता था उसके लिए स्टार ऑफ बेद दिया गया, वॉलनट दिया गया, ताकि वो एक्सेप्ट करे कि ओल्ड एज की भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं होती है, और उनके लिए डॉक्टर्स भी होते हैं, कोई भी अगर समस्या आती है तो उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। ये कॉन्फिडेंस आया उनको लार्च के बाद में। इस तरह से उनको ये दवाइयाँ दी गई बैशफ्लोर की, उसके बाद में वो स्टेबल हो गए, उनका डर निकल गया। उनको कुछ सुनते थे वो तो यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देते थे, उसको कोई रिएक्ट नहीं करते थे, तो ये रिएक्शंस कम हो गए उनकी। जो छोटी बच्ची के लिए, नाती के लिए जो उनको डर लगता था कि इसको कुछ हो जाएगा, वो रेड चेस्टनट से दूर हो गया। और एक पेशेंट, वो खुद 75 ईयर्स के मेरे पास में चल के आते हैं,
मतलब इतनी ताकत है उनके शरीर में, इतनी स्ट्रेंथ है, इतना कॉन्फिडेंस है, फिर भी उनको थोड़ी भी अगर बीमारी हुई, थोड़ा भी उनका पेट डिस्टर्ब हो गया, लूज मोशन हो गई, तो भी उसको ऊपर वो पूरा रिसर्च करेंगे, बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ये क्या हो गया मुझे, इतना लूज मोशन हो गया, ये किस तरह से ठीक होगा, कुछ रास्ता बताइए और जल्दी बताइए, मैं बीमार नहीं रहना चाहता। अरे भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अब उम्र के हिसाब से या खाने पीने में कोई इधर उधर हो गया, थोड़ा बहुत तो होगा ही, आए दिन कुछ ना कुछ तो होते ही रहेगा, उसको इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो हमेशा इसके वजह से टेंशन में रहते थे, हमेशा सोच शुरू, अब क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्टर को बताना चाहिए, साइकेट्रिस्ट को बताना चाहिए या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को बताना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो इनको इनटॉलरेंस, थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी टॉलरेट नहीं होती थी, इनटॉलरेंस के लिए इनको दिया गया बीच, इनके डर के लिए इनको दिया गया मिम्यूलस और आस्पिन भी दिया गया बीच बीच में, क्योंकि कभी कभी उनको डर भी लगता था कि कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई अंदर, तो उसके लिए आस्पिन भी दिया गया और मेन तो इनको वॉलनट दिया गया। वॉलनट देने के बाद में उन्होंने एडजस्ट कर लिया कि ठीक है चलता है, व्हाइट चेस्टनट भी दिया गया, तो उनके विचार भी कम हो गए, प्लस उनको जो गड़बड़ होती थी ठीक, जो उनको जल्दी जल्दी ठीक होने का होता था कि नहीं मुझे जल्दी ठीक होना है, उसके लिए इम्पेशंस भी दिया गया। तो ये सब दवाई से उनकी काफ़ी हेल्प हो गई। एक बुज़ुर्ग आते थे, वो 3-4 बार गिर गए चलते चलते, रास्ते ऊपर नीचे होते हैं या फिर कोई बाजू से जल्दी से धक्का देके चले जाते, तो ऐसे में वो लड़खड़ा के गिर गए। तो मैंने उनको बोला कि अंकल जी आप वॉकिंग स्टिक क्यों नहीं यूज़ करते, जबकि उनकी उम्र 70 प्लस थी। वॉकिंग स्टिक और मैं, नहीं नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे, इसमें लोगों को क्या आ गए, आप गिर रहे हो बार बार, आपको फ्रैक्चर हो रहा है, आपको चोटें लग रही है और आपको वॉकिंग स्टिक नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे। तो अब यहाँ पर इनको पाइन और सेरेटो दिया गया, तो ये दोनों यूज़ करने के बाद में उनका जो शर्म आता था उनको वॉकिंग स्टिक लेने का, वो चला गया, तो उनका गिरना भी बंद हो गया। मतलब देखिए हाउ द बैच फ्लावर एसेंस कैन हेल्प पीपल टू प्रिवेंट फ्रैक्चर्स इन ओल्ड एज। अब एक लास्ट केस बता रहा हूँ, एक बुज़ुर्ग आते थे मेरे पास में, करीब करीब उनकी एज 80 ईयर्स की थी, तो वो जनरली घर के बाहर नहीं निकलते थे, एक आध बार आए होंगे कंसल्टिंग में कंसल्ट करने के लिए, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम बेड पे ही रहते थे। लेकिन घर में सब लोग ऐसे त्रस्त हो गए थे उनसे कि भाई ये आदमी कब, मतलब इतना बुरा सोचते थे। तो मैंने बोला क्या कारण, तो बोले इनको बस चीज इनके मुंह में से निकलती ही चाहिए, फास्ट चाहिए, और बहुत डोमिनेट करते हैं सबको, सबको बहुत बोलते हैं कि ये इस तरह से करो, वो उस तरह से करो, ये इतने बजे उठना चाहिए, सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए, और उन्होंने जैसा बोला वैसे ही होना चाहिए बस, और खुद का ही ज़्यादा ध्यान, मतलब खुद के बारे में ही ज़्यादा सोचेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतने टाइम पे ये मिलना चाहिए, मुझे उतना टाइम पे, तुम लोग मेरा ध्यान नहीं रखते हो, मैंने तुम्हारे लिए कितना किया था जब तुम छोटे थे, अब तुम लोग इस तरह से करते हो। तो इस तरह से उनका बिहेवियर था, सब जन परेशान हो गए थे, मतलब घर में काम करने वाले जो हाउस हेल्प थे वो भी परेशान हो गए थे कि भाई ये कितना बोलते हैं, मतलब कितनी इज्जत निकाल देते हैं, हम भी तो मनुष्य हैं, हम भी तो घर का काम ही कर रहे हैं ना, हम कोई आपके गुलाम तो नहीं है, तो हमको, मतलब उनके लिए इतनी बैड लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो आखिर इनको वाइन, चिकोरी, हॉली, इम्पेशंस, ये चार मेडिसिन देने के बाद में
प्लस वॉलनट भी ऐड की गई। ये 5 मेडिसिन देने के बाद में काफ़ी शांत हो गए, मतलब अब दूसरे को समझने लगे, भाई ठीक है चल, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है, थोड़ा समय इधर उधर भी हो गया उनके खाने पीने का, तो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इस तरह से वो भी खुश रहे और घर बार भी खुश रहा, जो उनके बारे में सोच रहे थे कि भाई ये चला गया तो ठीक है, अब बोलते नहीं, हमको हमारे दादाजी चाहिए हैं और वो जितना ज़्यादा जाएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों, बैच फ्लावर एसेंसेस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, एज ग्रुप कोई भी हो। मैं तो सिर्फ एग्जांपल दिया है, क्योंकि हर एक को ये गोल्डन क्लब में कहीं कभी न कभी तो जाना ही है, तो हमें भी पता होना चाहिए। भले ही आप अभी 25 साल के हो और मेरा वीडियो देख रहे हो, लेकिन आप भी तो कभी न कभी गोल्डन एज में, गोल्डन क्लब में जाओगे, तो आपको भी कभी न कभी ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सब चीज़ें, ये सब एसेंसेस इमोशंस पे काम करते हैं, और वो अगर समय रहते ही कंट्रोल हो जाती है तो आगे की काफ़ी दिक्कतें हम सेव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी, स्टे फ्री, खुश रहिए, एंजॉय करिए लाइफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।